देखिए, मैं जानती हूँ कि जो भी हुआ वो सही नहीं था, पर कल स्थापना पूजा है ना, और अगर हम ही दुखी बैठे रहेंगे तो बड़े लोगों का क्या होगा। चलिए, नानी जी सबको बुला रही हैं, लड्डू बनाने हैं ना। अमिता, लाल जी की पूजा ना हमारे घर का सबसे बड़ा फंक्शन हर साल आता है। जब मैं छोटा था ना, इसी दिन का इंतजार करता था। लोग आते थे, गाना गाते थे, आरती होती थी, स्थापना होती थी, बाना ऊंची ऊंची आवाज में गाना गाती थी। मैं कोशिश करता था कि बाकी साथ ऊंची आवाज में गाना गाऊं। पापा से कहता था, पापा मुझे लाउड स्पीकर ला के दो ना, बाकी साथ ऊंची आवाज में गाने की कोशिश करूंगा। लेकिन कहां गया सब वो खुशियां, वो जोश। अब तो ऐसा लगता है कि लालजी की स्थापना नहीं, कोई शोक सभा रखी। और आप चाहती हैं कि मैं अपने परिवार के सामने खुश रहने का ड्रामा करूं। नहीं अमिता, मुझसे नहीं होगा। मैं मानता हूं अमिता गलती सबसे होती, लेकिन ऐसी गलती आप लालजी के गहने नहीं संभाल पाई। मैं अमित को कैसे बताऊं कि सच क्या है। भाई ये माला कहाँ रखूं? लो, अब ये दिन भी देखना था जब मेरे लाला बिना गहनों के ही पूजा में आएंगे। बा, माला कहाँ रखूं? अरे कहाँ रखूं, कहाँ रखूं? मेरे फोटो पे चढ़ा दे, नहीं तो खुद पहन के घूम। पूजा के रूम में रख दो, मैं आती हूँ। बाप प्लीज, आप नाराज मत होइए। अब ये अमिता की वजह से गहने खो गए तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? रिया गई है ना गहने लेने के लिए। प्लीज आप नाराज मत होइए। हाँ प्लीज। हाँ बाप, शांत हो जाओ। देखो अभी मेहमान आने वाले, आप ना पूजा की तैयारियां शुरू करो। क्या बताए, अब अमिता की गलती की वजह से सबके चेहरे से हंसी छिन गई। टीना, गलती किससे नहीं होती है, लेकिन देखना जैसे ही पूजा शुरू होगी ना, सबकी हंसी वापस आ जाएगी, है ना जमुना बहन? अरे पूजा तो तब शुरू होगी जब 56 भोग बनेंगे। बना लिए? बस वही बाकी है। पल्लू, अब तबीयत कैसी है? ठीक हूँ अभी मम्मा। अमित जी, अमिता से कहना आ जाए जरा, रसोई में काम शुरू करना है। अमिता यहाँ नहीं है? नहीं। लेकिन मुझे लगा अमिता आप लोगों के साथ है, आपकी मदद कर रही है। हमें लगा वो तुम्हारे साथ है। अमिता गई कहाँ? अरे मगन भाई, ये क्या कटिंग करके भेजा है आपने? मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अब फिर आ गए? क्यों आप बार बार मेरा टाइम वेस्ट करने आ जाते? मैंने बोला ना आपका गहना नहीं है हमारे पास। अभी आप जा रहे हैं या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? ए, ए सुना क्या? एक मिनट अतुल, अतुल बेटा, श्री कृष्ण बेटा, कैसे हैं आप? मैं अमू का पापा हूं। मेरी बेटी कह रही थी कल यहाँ गहनों को लेके कोई गलतफहमी हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, व्यापार है, भूलचूक तो सबसे होती रहती है ना। एक काम कीजिए बेटा, आप फिर से ढूंढने की कोशिश कीजिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि गहने यहीं से मिलेंगे। आप फिर से तलाश कीजिए, हम लोग यहाँ इंतजार करते हैं। क्या 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 इंतजार करते? मैंने बोला ना गहने नहीं है यहाँ पे, आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? और आप हो कौन? हो कौन आप? अच्छा मतलब चोरी, ऊपर सीना सोरिया। चोरी? तू मुझे चोर कह रहा है? तू उमेश कापड़िया को चोर कह रहा है? समझ में नहीं आता है क्या? कहीं से भी आ जाते हैं ठगी लोग। है कौन? हाँ है कौन तू? पापा
हेमंत पटेल, यहाँ के रिटेल एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ मैं। अमित, फोन लगा? नहीं पापा। लो, पहले गहने घुमा दिए, अभी खुद गुम हो गई। बाप, बाप पूजा का इतना सारा काम है, देख के डर गई होगी बेचारी। टीना, अमिता ऐसी नहीं है। अरे अब तक तो वो अपने मायके पहुंच गई होगी। एक ही शहर में मायका और ससुराल हो तो लड़कियां बात बात पे अपने मायके पहुंच जाती है। नहीं नहीं जमुना बहन, अमिता ऐसा नहीं करेगी। वैसे मेरा दिल कहता है जो आप कह रही हैं वो सही है, वो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन ये दिमाग है ना, ये कह रहा है कि बा जो कह रही है शायद वो भी ठीक हो सकता है। मम्मी, मैं अमिता के घर पे फोन करके पता करता हूँ। अमिता बेटा कहाँ है तू? हेलो, जय श्री कृष्ण, मैं अमित बात कर रहा हूँ। अब अमिता है क्या वहाँ पर? अच्छा, अमिता अपने घर गई थी और थोड़ी देर पहले वो वहाँ से निकल चुकी है। मैंने बोला था ना कि मायके ही गई होगी। अपने घर की पूजा छोड़कर मायके चली गई। ये आजकल की बहुएं भी ना बा, चलिए अब हर कोई रिया जैसा थोड़े ना हो सकता है। अब अमिता यहाँ पर नहीं है तो क्या किया जा सकता है? वैसे भी पूजा का मुहूर्त किसी का इंतजार नहीं करेगा। हाँ मम्मी, लेकिन अब तो बस नाम की पूजा होगी। नहीं बेटा, आज तक इस घर में जैसे पूजा होती आई है उसी तरह आज भी पूजा होगी, और अब मेरी तबीयत भी ठीक है, मैं कर लूंगी। देखिए, इनके गहने नहीं है हमारे पास, और अगर होते तो इनके पास उनकी रसीद भी होनी चाहिए। आप उनसे पूछिए क्या उनके पास उसकी रसीद है। बेटा आपको तो पता है कि व्यापार जो है वो रसीद से ज्यादा भरोसे पर चलता है। अब आप मुझे व्यापार सिखाएंगे? सीखने की जरूरत है तुम्हें। ये आखिरी बार मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि चुपचाप गहने निकाल कर हमारे हाथ में दे दो, वरना व्यापारी संगठन में जाके तुम्हारी इस दुकान की फरियाद करूंगा और ये तुम्हारी दुकान को मैं ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा, समझे? आप मुझे धमकी दे रहे हो, पुलिस को बुलाऊं मैं? बुलाओ, बेशक अभी बुलाओ पुलिस को। गहने कल भी यहां थे और मैं शर्त लगा के कह रहा हूं कि गहने आज भी यहां पर है। आने दो पुलिस को, करने दो तलाश, गहने मिलेंगे ही मिलेंगे। अतुल, महेश भाई ने फोन लगा जरा। क्यों? नहीं नहीं, उनको भी तो पता चलना चाहिए ना कि बरसों से सालों से कमाई हुई उनकी इज्जत, उनका बेटा पल भर में कैसे मिट्टी में मिला रहा है। एक मिनट, मनीष तुम एक भी काम ढंग से नहीं करते। जाओ और जाके देख के आओ क्या पापा ने गहने कबड़ में रखे हैं। और आप लोग बैठिए ना, हो सकता है पापा ने गहने कहीं रख दिए होंगे और किसी को मिले ना हो, मैं देख के आता हूँ। आप लोग कुछ लेंगे? गहने? अमित, तुमने कल अमिता को गहनों को लेकर कुछ ज्यादा ही बोल दिया क्या? मम्मी बात ही ऐसी थी, मैं चुप कैसे बैठ सकता था। अरे लेकिन बात करने का कोई सलीका होता है बेटा, पता नहीं तुमने उसे क्या कह दिया, वो तो बेचारी चली गई। मम्मी आप अमिता की तरफदारी कर रहे हो, एक तो अपनी जिम्मेदारी से मुंह छुपा कर न जाने वो कहाँ चली गई है। मेहमान आने वाले,
जो काम अमिता को करना चाहिए आपको करना पड़ा, पर आप मुझसे नाराज हो रही। जय श्री कृष्णा। देखिए मैं गहने लेकर आ गई। अरे वाह, पूजा की तैयारी भी हो गई है। वाह, ये लीजिए गहने और पहना दीजिए लाल जी को। ये लीजिए। पहली बार मेरे लाला जी किसी और के गहने पहनेंगे। अरे जमुना बहन, लाला को श्रद्धा का मोह है, गहनों का नहीं। अब लाला का पर्दा खोल दीजिए, मुहूर्त हो गया है। हाँ वैसे भी रिया इतनी मेहनत करके गहने लेकर आई है तो इसकी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। ठीक है, अगर लाला की यही मर्जी है तो यही सही। नहीं बा, लाला जी अपने ही गहने पहनेंगे। ये मेरे गहने हैं? मेरे गहने मिल गए? रिया ये ले तुम्हारे गहने, मेरे गहने आ गए हैं। अमिता, कहाँ चले गए थे बिना किसी को बताए? सब कितने परेशान थे पूरे घर में। सॉरी अमित, पर किसी को कुछ बताने का समय ही नहीं था। पूजा का मुहूर्त निकले इसके पहले गहने आने जरूरी थे ना। पापा, मैं ये पूछ रहा था कि गहने मिले कैसे? बेटा जिस चोर ने चोरी किए थे उसी चोर ने वापस भी दे दिए। शशिकला, मैंने ना कहा था कि अमिता गहने लेके जरूर आएगी? पर तू ही कह रही थी कि वो तो अपने मायके चली गई होगी। अरे मैंने कब कहा? अमिता सॉरी, सबके सामने कहूंगी तो मुझसे डरना बंद कर देंगे। बा, आपसे यहाँ कोई भी नहीं डरता। अब वो इतने क्यूट। चल हट। मस्का मत मार, ये मस्का मेरे लाला जी को मार। एक मिनट, बड़ी अजीब सी बात है, जब अमिता मायके जाती है तो गहने खो जाते हैं और जब वापस आती है तो गहने मिल जाते हैं। कमाल का सतयुगी चोर है इस कलयुग में, जिसका इतने महंगे गहने देखने के बाद भी मन बदल गया और उसने गहने वापस कर दिए। सॉरी यार, सॉरी, मैं तो क्या इस बात को कोई भी नहीं मानेगा यहां। अमिता इसलिए सच क्या है वो बता दो, सब घर वाले कोई कुछ नहीं कहेगा तुमसे। बोलो क्या बात है? सच क्या है सुनना चाहती हो टीना तुम? मम्मी जी एक सेकंड, अमिता मुझे बात करने दो। सच तो ये है टीना कि मेरी अमिता पर उंगली उठाने से पहले ये जान लो, आज उसी की वजह से इस परिवार की इज्जत बची हुई है। एक मिनट, गहने खो गए फिर मिल गए, इसमें लापरवाही तो नजर आती है लेकिन इज्जत बचाने वाला ऐसा कुछ नजर नहीं आता मुझे। हाँ इस परिवार का सम्मान, क्योंकि गहने अमिता से नहीं खोए थे। गहने मुझसे खोए थे, गहने मुझसे खोए थे, गहने मुझसे खोए थे।
गई थी उस दिन मैं महेश भाई से अपने गहने लेने के लिए, लेकिन पता है वहां पर क्या हुआ? देखिए आंटी जी, अगर आपके पास रसीद नहीं है तो आपको महेश भाई के आने तक रुकना पड़ेगा। ऐसे कैसे हो सकता है, घर में पूजा है मेरी। आपको पापा के आने तक रुकना पड़ेगा। I'm sorry. मैं गहने लेकर आऊंगी, बस मम्मी जी आप किसी और को इस बारे में मत बताइएगा, वो मुझसे गहने खो गए। पहले मुझे ये बताओ जो तुमने बाहर किया वो क्यों किया? सारा इल्जाम अपने सर पर लेने की क्या जरूरत थी? एक छोटी गलती की वजह से मैं परिवार के सामने अपनी मम्मी जी का भरोसा तो नहीं तोड़ने दे सकती ना, और इसीलिए अमिता ने जो कुछ भी किया ना मेरे लिए किया, इस परिवार के लिए किया। सारा इल्जाम उसने अपने सर पर ले लिया, क्यों? सिर्फ मेरी इज्जत बचाने के लिए। टीना आइंदा मेरे बहू के खिलाफ एक शब्द बोलने से पहले भी ना सोच लेना, क्योंकि मैं अपने बहू के खिलाफ कुछ भी नहीं बर्दाश्त करूंगी, कुछ भी नहीं। वो मतलब नहीं था, गलती किसी से भी हो सकती है। हाँ हो सकती है ना, तुमसे हो सकती है, मुझसे हो सकती है, लेकिन अमिता से नहीं, क्योंकि अमिता की नीयत और उसका दिल इतना साफ है कि अमिता चाहकर भी कोई गलती नहीं कर सकती। महेश भाई के बेटे ने तुम्हें गहने कैसे दिए? वो फाल्गुनी बहन, उसकी नियत में तो खोट थी ही थी, लेकिन महेश भाई के डर से, पुलिस के डर से वो तुरंत मान गया और उसने तुरंत हमें गहने वापस कर दिए। सच कहूं फाल्गुनी बहन, ये तो सब हमारे लड्डू गोपाल की कृपा है। लड्डू गोपाल जी ने सही समय पर उसे सद्बुद्धि दी। मैंने माफ करी दो प्लीज, गलती हो गई। तो मुझे बताया क्यों नहीं? अपनी बाकी थोड़ी सी डांट खा सकती थी ना। अरे तू तो मेरी बेटी से भी बढ़कर है। ये गहने तुझसे बढ़कर तो नहीं है ना? इतना कम भरोसा था अपनी बा पर? मैं बहुत डर गई थी बा, इतनी डरावनी हूं क्या मैं? अरे डरने जैसी चीज तो तेरी देवरानी है। जब तू उससे नहीं डरती तो मैं क्या चीज हूं? जो आपने बार लापरवाही की ना गहने को लेकर, अमिता आपकी लापरवाही आपकी आदत बनती जा रही है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये सब कुछ जानबूझकर करती हैं। मैं मानता हूं अमिता गलती सबसे होती है, लेकिन ऐसी गलती आप लालजी के गहने नहीं संभाल पाई। मैंने अमिता को गलत समझा, मुझे अमिता को सॉरी बोलना होगा।